मैं तो व्लॉग देख के आज अटैक आ गया, तूने इतने सारे डब्बे फेंक दिए। पतला हो जा, वर्कआउट शुरू कर दे। हेलो हेलो हेलो, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज सुबह हो चुकी है, काफी देर हो गई है वैसे तो हमें उठे हुए, लेकिन हम लोग अपना आराम से, मैं व्लॉग एडिट कर रहा था, मुस्कान ने घर साफ किया है। आप लोग को हमने बताया नहीं काफी दिन से, जब इनफैक्ट दिवाली के अगले दिन से ही दीदी नहीं आई है, दीदी छुट्टी पे है, दीदी गाँव चली गई है और हमें पता नहीं दीदी कब आएगी। तो तब से हम रोज बर्तन धो रहे हैं, घर साफ कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। आज सुबह सुबह मुस्कान ने झाड़ू मारा है, अच्छा काम किया। गंदा हो रहा था घर बहुत ना, तो थोड़ा झाड़ू मारा। कल स्टूडियो में तो मार ही दिया था, मेरे को किचन भी गंदी हो रही है, फिर मैंने कपड़ा वपड़ा सब मारा है। तो अच्छी अच्छी अच्छे अच्छे काम करती है मुस्कान, ऐसी बात नहीं है, सब लोग ऐसे ही बोलते हैं बिना। आओ तुम्हारे मुंह पे भी थोड़ा पोछा लगा दूं, नहाए नहीं हो 6 दिन से। मुस्कान अब नाश्ता बना रही है, आज का दिन हमको लग रहा है कि थोड़ा मैराथन दिन होने वाला है, तो हम लोग अभी से ही सारा का सारा काम कर ले रहे हैं। मुस्कान ना इस टाइम पे मैगी बना रही है, मैगी वही बनाएगी, चाय वही बनाएगी, नाश्ता करेंगे और हम लोग आज निकल पड़ेंगे। क्या कर दिया? गलती से लंबा काट दिया प्याज और चावल, काट दिया छोटा बारीक, काटना था। मेरे आंसू आ रहे हैं, आंसू आ रहे हैं। आज मुस्कान ने कल फिगर आउट किया कि कुछ कुछ मिर्चियां ऐसी होती है जो बिल्कुल भी तीखी नहीं होती। मैं ऐसी पूरी मिर्ची खा गई, मेरे को पता ही नहीं चला कि मैंने खाया क्या है। फिर मेरे को पता चला कि प्लास्टिक की मिर्चें भी आती हैं बाजार में। प्लास्टिक की नहीं होती, जीएमओ। नहीं, वो प्लास्टिक ही है, वो GMO जो जब हम उसका तड़का लगाते हैं उस मिर्ची को कुछ हो नहीं रहता, वो प्लास्टिक ही है ना। मेरी ऐसी बदनामी कर रखी है, जब भी मैगी बनाऊं आए थे ससुराल वाले देखेंगे हमारा बेटा मैगी पे जिंदा है बस। तो बेटा खाता ही मैगी है, पसंद ही उसको वही है। हाँ बीवी इतने बढ़िया मैगी बनाती है, बीवी दो चार चीजें और अच्छी बनाती है, बहुत बढ़िया वाली, लेकिन मैगी बहुत अच्छा बनाती है। इसको लंबा लंबा ही सड़ा दे वैसे ही अच्छा लगेगा। देखो ना, सड़ा दूं मैं लंबा लंबा, क्यों तू चुप रहे। अरे खाने वाले को दिक्कत है, बनाने वाले को क्या दिक्कत है? मैंने भी खाना है ना, आई मेक इट फॉर माई सेल्फ मोर देन फॉर यू। वाह वाह मोदी जी, वाह वाह वाह। चलो जरा बहुत हो गए तुम्हारा व्लॉगिंग व्लॉगिंग, उठ के चलो ये मशरूम काटो। चलो नहीं, मैं जाके वो व्लॉग एडिट कर रहा हूँ, करो यार। मेरे को ये शॉपिंग में 5 घंटे लग जाएंगे। अच्छा चल मैं करके देता हूँ। क्या खुशबू आ रही है, मुझसे ने मैगी बनाई है, जबरदस्त खुशबू आ रही है भाई, जाके देखते हैं। हाँ जी, खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। ओए देखने में भी बड़ा जबरदस्त लग रहा है, चाय भी बना ली, वो भी लोटा भर के। हाँ आज मैंने सोचा कि लोटा भर के, क्योंकि जिस कप का मुझे अंदाजा है वो कप अवेलेबल नहीं था, तो मैंने ज्यादा बना दी। ये सही है, बड़ी अमेजिंग लग रही है मैगी तो देखने में। पानी दे, देख सकें। ये देखो गाइस, ये देखो क्या मैगी, ओए ऐसी मैगी खाइए कभी, पहाड़ों में जाओ कहीं भी जाओ तुमको ये नहीं मिलेगा। ये बहुत हद तक पहाड़ों जैसी फील देती है, लेकिन मेरी बेबी पहाड़ से भी ऊपर है। इस मैगी की शक्ल देखो, कौन नहीं खाना चाहेगा इस मैगी को। ये मैगी प्लस लोटा भर के चा, वाह वाह वाह। पता है आज मैं इतनी अच्छी क्यों लग रही हूँ बता? क्योंकि मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। बताओ नहीं बोल, क्यों? क्यों? क्योंकि मैंने आज खट्टी टॉफी खाई है। अच्छा लग रहा है ना आज। मैंने खुली जींस पाई है अपनी पुरानी। हाँ। वाली, इसलिए मैं खुश हूँ। सो गाइस हम रेडी हो गए हैं, अब हम जा रहे हैं घर देखने पास की सोसाइटी में, जो हमने देखा है, एंड आई थिंक कि हम वो फाइनल कर लेंगे होपफुली। हाँ। क्योंकि समझ में आ रहा है, इतनी तो मैं मोटी हूं नहीं कि मेरे बैठते ही तुम्हारी स्कूटी। नहीं नहीं, स्कूटी नहीं, इसके उसमें कार्बन में हो गया, इसको सर्विसिंग की जरूरत है। क्या चीज होता है इसकी? स्पार्क प्लग में कार्बन आ गया। क्या बदतमीजी है ये, इसको सर्विसिंग चाहिए भाई। अभी तेरे से किक नहीं लगी। बैठे बैठे किक मार, चैलेंज कर दिया, तो देखो कितनी जल्दी किक लगी है। क्योंकि 1 घंटा लगा दिया स्कूटी चलाने में, तेरा पेट एकदम जेठालाल जैसा हो गया है। बिल्कुल ऐसे वो चेतक वाला सब याद आता है मेरे को, जैसे स्कूटी पे बैठी मम्मी ऐसे हीरोइन बन के पापा के बीच बैठती थी। हाँ। और एक साइड पे ऐसे हाथ रखती थी। हाँ। और मैं तेरे पेट पे हाथ रखती हूँ।
पतला हो जा, वर्कआउट शुरू कर दे, हो जाओ, पेट में किथे जाना पे, हो जाऊंगा हो जाऊंगा। पर खोजने में हमको एक घंटा लग गया। ये कौन सा है? जी है। किधर से जाना है हमको? मैं वही देख रहा हूँ, वहीं से घुसना है, यहाँ से घुसना है। अब ये यहाँ का कैसे आ गई, कौन सी साइड है? हॉल तो अच्छा लग रहा है ना? हाँ, अच्छा लग रहा है, मेंटेन है। Very happy to see you. What is this nonsense? अगर इसमें no pets allowed है तो मैं अपने बेबी को कैसे लेके जाऊंगी? The lift is so much better. Gives me some hope. है ना? वो lift देख के तो मेरे धज्जी उड़ गए थे भाई। मेरा ना भाई, ये ना हो पाई। ठीक लग रहा है ना मेरे को? हाँ, काफी साफ सुथरा भी लग रहा है। और ये है कि बाकी वो व्हाइट वॉश वगैरह करा देंगे ना? हाँ। तो कितना टाइम लगेगा उसमें? एक तारीख बोला था, एक तारीख तक वो दे देंगे। गाइस एक्चुअली यहाँ पे ना लाइन वाला भी अवेलेबल नहीं है, तो हम सिर्फ ये देखने आए थे कि सोसाइटी कैसी और आसपास का एटमॉस्फेयर कैसा है, फील कैसा है यहाँ का। बिकॉज घर तो व्हाइट वॉश हो ही जाएगा, क्योंकि घर तो देखो साफ हो जाएगा, लेकिन व्हाट मैटर्स इज कि सोसाइटी किस तरह से मेंटेन्ड है, लिफ्ट कैसी है, लॉबी कैसी है, साफ सफाई होती है कि नहीं होती है, पेंट क्या है, सब ठीक है। सो हम वापस घर आ गए हैं पूरा दिन लगाने के बाद, एंड आई थिंक वी आर मोर कंफ्यूज्ड देन एवर। और गाइस मैं पूरे दिन ठीक रहती हूँ, पर जैसे ही हाउस हंटिंग शुरू होती है मेरा डिप्रेशन स्ट्राइक कर जाता है। मुझे समझ में नहीं आता कि भाई मैं करूँ क्या। हमें कुछ भी ऐसा नहीं मिल रहा जो हमें पूरी तरह पसंद आ रहा है और पूरी तरह हमारे हिसाब में बैठ रहा हो। कुछ ना कुछ, हाँ, कुछ ना कुछ आगे पीछे ऊपर नीचे रह ही रहा है, वो अवेलेबल नहीं है जो समझ में आ रहा है। वी हैव टू सिट एंड टॉक इट आउट, फैमिली के साथ बैठते हैं, बात करते हैं, उसके बाद ही हम कुछ कंक्लूजन पे आएंगे। उससे पहले देयर इज नो पॉइंट ऑफ टॉकिंग अबाउट इट। एंड रियली मैं ना बिना फालतू में टॉपिक खींचना नहीं जाता, क्योंकि कितना अपडेट दें आप लोगों को भी। तो देखते हैं, हम बात करेंगे उसके बाद फिर हम डिसाइड करते हैं। मम्मी का कॉल आया था, मम्मी ने बोला चाय पी लो आके, तो हमने बोला हम समोसे ले आते हैं। तो मम्मी क्या सैटरडे समोसा चाय पार्टी करने जा रहे हैं। पापा ने बोला है कि समोसे नहीं खाने उनको, छोटे वाले जो आते हैं पकोड़े टाइप के, पकोड़े नहीं क्या बोलते हैं उनको, जो भाजी के डब्बे में आता है ना वड़ी टाइप का, पापा को वो खाना है। कर सकते हैं क्या पहले ये वाले? हाँ, ये छोटे छोटे समोसे नहीं, ये दूसरे हैं, ये अलग है, वो कचौड़ी थी, ये समोसा। पर तो ठंडा है ना, गर्मा गर्म नहीं बनते ये मसाले वाले, जो गर्म है, आलू वाले गर्म है। अच्छा तो है, लेकिन 8 दिन चलते हैं ये भी ना, मसाले वाले मटर फुल भाजी वाला माल है सारा, वही है सब कुछ। वो बेकार सिक्योरिटी डॉग है, किसी काम का नहीं है उसका, सिक्योरिटी इतना बेकार है, इतना बेकार है। धीरे धीरे करके ना, पहले तो भरभू करते हुए आ जाए, अब तो घर वालों को नहीं पता चलता है, जामुनों के पता चलता है। वो देख, वो देख, इतनी देर में ना चोरी हो जाती है, धीरे धीरे तेरा भभू निकलता है, पागल जमूरा है, पागल कुत्ता। ये वही लोग हैं जो दुकान में जाके बोलते हैं मेरे को कुछ नहीं खाना, मेरे को कुछ नहीं खाना, उसके बाद बोलते हैं तू मेरे साथ खाएगा ना खिचड़ी? नहीं खाना मेरे को, तू ही खा। हाँ, आधी कचौड़ी डकास लिया। अच्छा, क्या एक गिराई खाई छोटी सी? कितने कितने कंजूस टाइप के आदमी हो तुम, खाओ यार। नहीं खाया नहीं तुम्हारी कचौड़ी? खा ले खा ले, नहीं खानी, पसंद नहीं है, पसंद नहीं खाती हूँ मैं ये पकौड़े, पकौड़े नहीं खाती। हाँ हाँ, मेरे इवनिंग स्नैक्स। ये तो कोई क्या खाती है? ये कितना हेल्दी है तेरे को पता? मैं भी यही खा रही हूँ, पिस्ते में प्रोटीन सब कुछ सारा सोर्स सारे विटामिंस मिनरल्स। ये तेरा खाली ओमेगा देगा तेरे को। पापा कह रहे हैं शुगर मेंटेन करने के लिए एक आधी जलेबी भी खा ले। अब हम सारे चाय पियेंगे और चाय पीते पीते घर की बातें करेंगे और किसी कंक्लूजन पे नहीं आएंगे। हाँ, अभी कहानियां करेंगे हम कि हम कोठी लेने वाले हैं, पर करना हमने कुछ भी नहीं है। कैसी लगी है? ठीक है, ठीक है, खाली है, मटर वाले समोसे खाए हैं। शानू भी खिलाओ यार, वो मुंह बेखड़ा पे आते। शानू खा रहा है शकरकंदी और योगर्ट। जामू तेरी शकल गंदी इसलिए तू खाता है शकरकंदी। ये अपने भाई पे गया है, हेल्दी ईटिंग्स, हेल्दी ईटिंग्स। अभी समोसा दे, पराठे दे, अभी खाएगा। दिल्ली में भी खाता ना, दिल्ली में घंटी घंटी वाले की आवाज से पागल। दिल्ली में तो शकरकंदी वाला आता था, चिल्लाने लग जाता था कि मेरे को उठाओ दिखाओ क्या कर रहा है। कुछ कहना चाहेंगे अपने पागल कुत्ते के लिए? पागल नहीं बनना बच्चे को, क्यों नहीं बोलना भाई? ये क्या है? वो हमारे लिए सोना खोद के निकाल रहा है जमीन में से, बैठ के मम्मी पापा को देगा वो पैसा। सबसे अच्छी सबसे खरी औलाद है ये, ठीक है ना? ये कुछ भी नहीं कहता ये गधा, ये मेरे को डांटता भी। बैठ खोल, एक बार जरा जीजू के ना काट दे खींच के, मजा आया। फिर पिछले 3 घंटे में हमने हम गोवा घुमाए, हमने अपना घर बना लिया और हमने समोसे खाए और हमने थार खरीदी। जैसे पापा कुछ और लेके आए, लो पापा भी एक और कुछ है, फंड मैनेजमेंट। देखो इसमें क्या हो जाता है। लाइव जरा इधर अंकल आ जा, मम्मी बुला रही है। मैं तो व्लॉग देख के आज अटैक आ गया, तूने इतने सारे डब्बे फेंक दिए। मेरे को पहले ही पता था आपने बोलना, और तूने व्लॉग में भी बोला
पता भी है मम्मी चिढ़ेगी। देखो इतने डब्बे थे और ढक्कन बेटा इतने डब्बे थे ढक्कन के डब्बे और ढक्कन तो मैं ले आती तो डब्बे तो देता। क्या करोगे मेरे डब्बे सारे फेंक दिए। सुबह ले कूड़े वाला इतने सारे 1000 ml के 300 ml के 500 ml के मैं तुम्हें बोलती हूँ और मेरे को थाली थाली मैंने दी थी थाली दे गया ढक्कन दे के नहीं गया थाली दे गया ढक्कन वहीं मिला मेरे को ढक्कन ही फेंक दिया। आपको क्यों चीज़ है यार आपके पास इतने सारे तो पड़े मम्मी 1000 ml के तुम्हें देखना थैली में खाना दूंगी मैं थैली। ये मम्मी के ढाबा से हमारी रोटी तैयार है और एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट हमको आज मिला है खाना। राजमा पराठे पराठे मिले पराठे एंड क्या आलू की सब्जी। आलू की सब्जी थैंक यू। आलू की सब्जी मैं आलू बनाता हूँ मेरे को गालियां देती है बोलते मैं नहीं खाऊंगी मम्मी आलू बनाती है माँ के बराबर कोई नहीं। चलो थैंक यू मम्मा गुड नाइट बाय बाय जामू। आपके चक्कर में ना मेरा बहुत टाइम वेस्ट होता है बस बाय बाय। ये कब आया भाई ये कब लिए मेरे बिना छतरी ले ली मेरे बिना बेकार लग रहा है वैसे भी नीला कलर चीची बेकार। ये क्या है ये टेबल है ये अच्छा चादर तो चीची नो आई डोंट लाइक हाँ ये तो देखे थे मैंने। कल है फाइनल इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया उस दिन का सभी भारतीयों को है बेसब्री से इंतजार एंड आई रियली होप कि टीम इंडिया विंस। व्हाट आर यू प्रेइंग फॉर आई नो टीम इंडिया विल विन आई डोंट हैव टू होप यस अगेन prayers only and I trust my team I have full faith they are great talented people so hopefully हम जीतेंगे और हमारी टीम हर मैच की तरह इसमें भी अपना बेस्ट देने वाली है तो हम सारे टेंशन्स को साइड पर रख के कल करेंगे फैमिली के साथ मैच एंजॉय बाकी जो होगा देखी जाएगी जैसे पूरे टाइम हम जिंदगी में यही सोचते हैं कि यार जो होगा देखा जाएगा तो कल भी और उसके बाद भी जो होगा देखा जाएगा नहीं खाली देखा जाएगा नहीं हमने कुछ प्लान किया है हमने काफी बातें करी है एंड काफी सारी कंफ्यूजन हटाई बट वो सब बात की बात है अभी हम हैव अ गुड न्यूज एज ऑफ नाउ बट वी नाउ डू नो कि हमें किस बात पे चलना है हाँ तो वो हम देखेंगे लेकिन अभी के लिए हम कल पे फोकस करेंगे। कल क्या है कल वर्ल्ड कप है तो कल हम एंजॉय करेंगे और हम आपको कल ही मिलेंगे अब सीधा क्योंकि आज का दिन हम यही खत्म कर रहे हैं। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में गाइस होप करते हैं आपको हमारा आज का व्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो और कमेंट करो और घंटी भी बजा देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में गाइस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग बाय बाय।